प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से उड़ीसा दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भुवनेश्वर में रोड शो किया, वहीं शनिवार यानी कि आज कंधमाल में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था और दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा